Hi guys, I hope you are doing well. I am Prakash, welcome to Study IT. So, आज आपके सामने एक नया वीडियो मैं लेकर के आया हूँ द अनइक्वल आर्म बैलेंस। जी हाँ, कोई स्टूडेंट्स ने आपको बताया था कि बैलेंस के बारे में बताइएगा कुछ, तो मैं आप लोगों के लिए एक नया बैलेंस पे एक बताया हूँ यहाँ पे कुछ लेकर के आया हूँ। आप देखिए, ये एक पूरी पूरी आर्म है, इस पे यहाँ पे टिका हुआ है बैलेंस है, इस पे से जुड़ा हुआ एक यहाँ हैंडल है नीचे साइड, तो यहाँ स्केल पे हमको बताती है कि कितना इसका स्केल है, कितना वेट है। इसको बैलेंस करने के लिए इस आर्म पर यहाँ पे देखिए स्केल छोटा छोटा करके दे दिया गया है और यहाँ पे एक वेट डाल दिया गया है, एक अननोन मास इधर साइड है। अब इसको हम किस लेंथ पे कहाँ पर रखेंगे उससे इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं, फिर हम यहाँ पर निकालते हैं। इस सिद्धांत आधारित है ये वेट इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर ए वेट इंटू यहाँ से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, मतलब ये आपका पढ़े होंगे टार्क, टार्क वाले सिद्धांत पे आधारित है। तो मास मास इंटू यहाँ पे जो वेट आ जाएगा ग्रेविटी पे, वेट इंटू यहाँ पे कर देंगे तो वेट इंटू यहाँ पे दोनों साइड जी जी मिल जाएगा, कट जाएगा बाद में, मास इंटू यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, इसका मास और यहाँ से इसकी डिस्टेंस, दोनों का ये बराबर था, यहाँ वाला इधर साइड यहाँ वाला इधर साइड दोनों का ये बराबर होगा। तो यहाँ आप इसको कर करके देख लीजिए, आइए करके देखते हैं कि क्या कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, इसमें बैलेंस कंडीशन में हम इसको अभी भी दिखाए हैं, यहाँ पे आप अननोन मास ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक, देखिए तो यहाँ पे वेट ज्यादा हो गया, तो इतना नजदीक है तो बहुत तेज हो गया, अगर हम इसको यहाँ से और कर देते हैं तब तो ये बहुत हल्का पड़ गया, इसको हम एकदम यहाँ भी लेके आएंगे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कर देंगे। और इस पे हम वेट को बढ़ाएं तो वेट को बढ़ाने से भी देखिए क्या होता है, बहुत सारा वेट बढ़ा दे रहे हैं, बहुत सारा वेट बढ़ा दे रहे हैं, इतना बढ़ाने के बाद भी अभी देखिए बैलेंस नहीं होता है। इसको बैलेंस करने के लिए अब इतना वेट है, अगर इसको हम इस साइड थोड़ा स्लाइड करें देखिए जाकर बैलेंस, तो यहाँ पे कितना 5.31 प्लस इसका मास, सॉरी 5.31 यहाँ जो भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू इसका मास, और यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस होगी 1.72 इंटू इसका मास, ये दोनों बराबर होंगे, तो हम यहाँ से पता चल जाता है हमको कि इसका मास कितना है, क्योंकि एक पता रहता है तो एक हमको रहता है। यहाँ पे अगर 9-10 पे लगा है तो ये 10 kg है, 1 पे लगा रहेगा तो 1 kg, 2 पे लगा रहेगा 2 kg, और ये हमारा अननोन मास है, तो हम अननोन मास इसका पता कर सकते हैं, मास इंटू इसकी डिस्टेंस बराबर इस मास इंटू यहाँ से इसकी डिस्टेंस, तो हम ऐसे बारी बारी लेकर करके इसको हम पता कर सकते हैं। एक तो बैलेंसिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, दूसरे में अगर हम मान लेते हैं इसको थोड़ा पीछे कर दिए, तो अब इसको पीछे कर करके अगर हमको बैलेंस करना हो तो इसको हमको और आगे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको मिला लीजिएगा, एकदम बैलेंस होना चाहिए बीच वाले से, तो यहाँ पे इसके डिस्टेंस इसका मास बराबर यहाँ पे यहाँ से यहाँ इसके डिस्टेंस इसका मास, तो हम ऐसे इसको आगे पीछे कर करके भी 3-4 रीडिंग किसी एक पे ले सकते हैं, बैलेंस करना रहे तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप सेट करके ले सकते। अगर हम अचानक यहाँ पे क्या कर दिए मास को दूसरा मास को डाल दिए और इसका ऐसा है तो इतना वेट की जरूरत नहीं है, जितना वेट की जरूरत नहीं है तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कम कर सकते हैं, और इसको यहाँ से स्लाइड कर करके आगे पीछे भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अगर इसको हम स्लाइड कर करके साइड में ले आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा है, वेट बढ़ाना ही पड़ेगा नहीं तो काम बन जाता है। देखिए और वेट बढ़ा दे रहे हैं, 5 kg रख दिए, ज्यादा हो जा रहा है, थोड़ा सा इसको बैक साइड कर करके हम फिर से एडजस्ट कर सकते, देखिए एडजस्ट हो गए, तो यहाँ 2.38 ए डिस्टेंस इंटू इसका मास, ए डिस्टेंस इंटू इसका मास, तो ए मास हमको पता है 5 पे लगाया तो 5 kg ये हो गया, 5 kg इंटू ए डिस्टेंस बराबर, अगर इसको हम एम मान लेते हैं तो एम इंटू ए डिस्टेंस हो जाएगा, एम निकाल सकते हैं इतना इंटू इतना और डिवाइड बाई ए डिस्टेंस, तो हम आसानी से ऐसा कर सकते हैं। हम यहाँ अलग अलग मास ले सकते हैं, अननोन मासेस देखिए इतना हो गया, अब इस पर हमको वेट बहुत बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाते बढ़ाने के बाद में तब फिर ले सकते इधर कहीं एडजस्ट करेंगे तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा इसको और पास में कर दीजिए एडजस्ट हो जाएगा, तो सिद्धांत है। फिर एडजस्ट करने के बाद फिर इसकी रीडिंग वहीं पर आना प्रोसेस कर सकते हैं। तो बारी बारी कई मास दिया है, अननोन मास यहाँ पे दे दिए हैं,
आप किसी के साथ में भी ऐसा कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा होगा तो फिर थोड़ा और पास कर दीजिए, फिर वो खुद आ जाएंगे। ये सिद्धांत भी अच्छा है कि 9.04 × 10 kg और यहाँ पर हो जाएगा 1.4 × अननोन मास, अननोन मास से आप फाइंड कर सकता है। तो आप इस तरीके से अनइक्वल आर्म बैलेंस की हेल्प से आप जो जिसका नहीं पता है उसका आप मास पता कर सकते हैं। यहाँ से आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा सब्सक्राइब करिए, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमको लगे कि नहीं हाँ आप लोग इतना इसके लिए ऐसे इस पर तत्परता दिखा रहे हैं, और फिर मैं आपके सामने नई नई वीडियोज लेकर के आऊँ। और कमेंट भी किया कीजिए, कमेंट भी करिए कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वैसा वैसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।